तो दोस्तों हमारा जो लाइट है वो सेटअप हो गया। तो हम क्या करें, ये जो रेड वाला जो वायर है और जो न्यूट्रल वाला जो वायर है वो इसे हमें अच्छे से सोल्डर कर दूंगा। तो कैसा देखा है आपका हमारा जो लाइट है कैसा ज़्यादा ग्लो कर रहा है अच्छा से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज एक नया वीडियो ले आपका सामने हाजिर है। तो फ्रेंड्स हमारा पास है दोनों लाइट है। तो दोस्तों ये लाइट को हमारा घर में लाइट है तो दोस्तों ये लाइट को खराब हो चुका। तो दोस्तों लाइट को मेन प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं ये जो लाइट को, ये लाइट को मेन प्रॉब्लम है, ड्राइवर लाइट दोनों तरफ से खराब हो चुका है। तो दोस्तों ये लाइट को रिपेयर करने के लिए कोई भी मौका आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये लाइट को रिपेयर करने के कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करें, एक आइडिया करें। दोस्तों हमारे पास देख रहे हैं एक छोटा सा लाइट 230 वोल्ट का डायरेक्ट से ऑन होगा। तो लाइट को हम इसी सेटअप करूँगा, कैसे ग्लो हो रहा है सब में वीडियो में आप देखना चाहते हो सब से वीडियो में हम बात करते हो। तो दोस्तों ये लाइट को हम प्राइस पड़ते हैं 10 रुपीज़। तो हम मार्केट से लिया तो 10 रुपीज़ में हो जाएगा। तो दोस्तों ये लाइट को रेड येलो ग्रीन वो ज़्यादा से कलर से आप मिलता है। तो ये जो लाइट है ये ब्लू कलर लाइट है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने पहले आप छोटा रिक्वेस्ट, जो भी चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने पहले दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारा जो काम है ये लाइट को उतार देंगे, जो लाइट ड्राइवर वो दोनों तरफ से उतार देंगे एक साथ में। तो दोस्तों हम लाइट को ड्राइवर को एक साथ में उतार देगा। तो हमारा जो एक खाली का डिब्बा है, एक क्लिपिंग है, जो भी हम होल्डर से कनेक्शन होता है जो क्लिप है। दोस्तों ये जो ड्राइवर मिलेगा एक ड्राइवर से जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के काम करने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों कनेक्शन करने के लिए हम छोटा दोनों वायर ले लें, एक जो रेड है, एक जो ग्रे कलर है, एक व्हाइट कलर है। तो दोस्तों ये जो होल्डर का पिन है, होल्डर का पिन के कनेक्शन करने के लिए कोई भी सोल्डर नहीं ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो अच्छा से चिपका दूंगा तो ये लग जाएगा। तो दोस्तों ये को एलुमिनियम का शीट का टुकड़ा है, जो भी हम ये जो वायर को छील लिया तो चिपका दूंगा तो अच्छा से जुड़ जाएगा। दोस्तों हमारा जो एक वायर है कनेक्शन होगा। तो दोनों तरफ से वायर से कनेक्शन करने के लिए आप देख रहे थे एक जो छोटा सा वायर ऊपर से आना चाहिए और जो पिन को हम इसे चिपका दूंगा। दोस्तों ये भी सोल्डर नहीं होगा, ये जो ये एल्युमिनियम का टुकड़ा है। तो दोस्तों हमारा जो वायर है दोनों तरफ से वायर को कनेक्शन हो गया। तो दोस्तों ये जो लाइट को भीतर बाहर अंदर से जो सीड है वो हम लगाना चाहते हो, जो भी हम लाइट को सेट करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो ये जो वायर है तो छिद्र से बड़ा करना, दोनों वायर है तो एल्युमिनियम सीट को लग जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होगा। तो दोस्तों ये जो होल्ड है ये होल्ड को एक बड़ा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारा जो हेल्ड हो वो बड़ा हो चुका। तो दोस्तों ये जो कॉपर है, ये जो एल्युमिनियम शीट का छोटा सा डिब्बा है ऊपर से हम चिपका दूंगा। तो दोस्तों बहुत आसानी से सट जाएगा ये। आपको चाहे कोई भी जो पेस्ट करेगा ये तो पेस्ट नहीं होगा, तो ये जो मार मार के ये जो सीधा काटने पड़ेगा। तो दोस्तों हम क्या करें, ये जो वायर को ये सीधा में हम काट देंगे। तो दोस्तों ये जो वायर है कॉपर का वायर है तो ये जो अच्छा से देखना पड़ेगा, ये जो कॉपर का वायर है तो ये एल्युमिनियम का वायर को यूज़ करते हो सोल्डर नहीं होगा। तो दोस्तों हमारा जो लाइट है ये दोनों पॉइंट है, एक लाइन का और एक न्यूट्रल का। तो हम क्या करें, इसे न्यूट्रल और लाइन को एक सोल्डर करने पड़ेगा, जो भी तार जुड़ेगा तो डायरेक्ट से जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करें, हमारा जो लाइट है एक लाइट का न्यूट्रल और लाइन जो पॉइंट है वही से हम सोल्डर करने पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा जो लाइट है लाइन का पॉइंट है और न्यूट्रल का पॉइंट हुआ हम अच्छे से सोल्डर कर दिया। दोस्तों जो भी हम वायर को कनेक्शन करो तो अच्छे से कनेक्शन होगा। तो दोस्तों हमारा जो लाइट है लाइट को वायर को सोल्डर करूँगा। तो हम पेस्ट को लगा दीजिए वायर को।
तो हमारा जो वायर है वो अच्छे से सोल्डर होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो लाइट को वायर को हम ऐसे इस सेटअप में कनेक्शन करूँगा। तो कनेक्शन करने के लिए बाद दोनों वायर जो वो से लाइट को ऊपर से गोल। तो दोस्तों हमारा जो लाइट और बॉडी दोनों तरफ से सेटअप करने के लिए हम एक फेविक्विक यूज़ करते हैं। जो भी फेविक्विक का मैं ऊपर से लगा दूंगा तो लाइट को अच्छे से सेटअप होगा। तो लाइट को अच्छे से सेटअप नहीं होगा तो हीट सिंक नहीं होगा। ये जो लाइट है हमारा हीट सिंक ज़्यादा है। तो दोस्तों हीट सिंक करने के लिए हम फेविक्विक दे अच्छे से चिपका दूँगा। तो दोस्तों हमारा जो लाइट है बीच में बाहर में जो भी हम फेविक्विक से लगा दूंगा, जो भी हम लाइट को खुलने नहीं आया। तो दोस्तों हमारा जो लाइट है वो सेटअप हो गया। तो हम क्या करें, ये जो रेड वाला जो वायर है और जो न्यूट्रल वाला जो वायर है उसे हमें अच्छे से सोल्डर कर दूंगा। तो दोस्तों हमारा जो लाइट को सोल्डर का कनेक्शन कंप्लीट है। तो दोस्तों जो हमारा जो लाइट है लाइट को टेस्ट करने के लिए हमें एक सीरीज बोर्ड का यूज़ करता है। जो भी सीरीज बोर्ड हम बनाए वो भी वीडियो हमें यूट्यूब चैनल से मिल रहा है। जो भी आपसे पहले दोस्तों हम दोनों जो वायर है वो एक न्यूट्रल और फेस को कनेक्शन करूँगा। तो दोस्तों तो क्या देखा है आपका, हमारा जो लाइट है कैसा ज़्यादा ग्लो कर रहा है, अच्छा से ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों कैसा अमेजिंग लगा है, कैसा अच्छा से ग्लो कर रहा है देख रहे हैं दोस्तों। हमारा जो लाइट है कैसा अच्छा से ग्लो कर रहा है दोस्तों। दोस्तों हमारा जो लाइट है वो हम ऊपर से चिपका लगा दूंगा, वो कैसे ग्लो हो रहा है तो आपको देखना चाहिए देख तो आपको वो देखना चाहते हो वो कैसे लाइट को ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों ऊपर से कवर लगाने के बाद कैसे ग्लो कर रहा है देख रहा है, हमारा जो लाइट है वो कैसे ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों जो हमारा दोनों लाइट है लाइट को ऑफ करूँगा तो कैसे आलोक ग्लो कर रहा है तो देख रहा है। तो फ्रेंड्स देख रहा है हमारा जो लाइट है वो कैसे ग्लो कर रहा है ग्लो। तो कैसा लगा, तो हमारा पास जो हमारा जो लाइट है कैसे अच्छे से ग्लो कर रहा है, कैसा तेजस्वी ग्लो हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो क्या लगा, वीडियो जो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।